हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास होगा वो होगा मैथ का। यहां पे हम लोग मैथ के क्लास में जो अभी सीख रहे हैं वो आपका एक्सरसाइज 8.2 था पिछले क्लास तक। आज जो हम लोग सीखेंगे वो 8.3 होगा। तो क्लास में आखिर तक बने रहेंगे सब लोग ताकि जो आपका 8.3 जो अभी स्टार्ट होगा उसका हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपका पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो होगा वो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, आपका हर एक क्वेश्चन बताएंगे, पूरा आपका जो भी डाउट होगा सब डाउट आपका क्लियर करा के ही आगे बढ़ेंगे। तो जो क्लास में अब तक नहीं आए होंगे सबको शेयर कर दें ताकि सब क्लास में आ जाए और सबका डाउट एक साथ क्लियर हो जाए और सबको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए और लाइक जरूर कर देंगे सब लोग। चलिए तो अब जो है अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा तो कहता है यहाँ पे है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान निकालना है। यहाँ पे एग्जैक्ट मान आपको नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहता है साइन 18 डिग्री अपॉन आपका है कॉस 72 डिग्री, है ना, कॉस 72 डिग्री का मान निकालना। ये एक का पहला क्वेश्चन है, क्लियर इतना, एक का पहला क्वेश्चन है मान निकालना। तो एग्जैक्ट मान ना साइन का है ना कॉस का। एग्जैक्ट मान निकालने का मतलब हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं साइन 30 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू। लेकिन 18 डिग्री और 72 डिग्री का तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो जो एग्जैक्ट मान का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से बनेगा नहीं। फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ ध्यान से देख लेंगे एक बार। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। साइन को 90 माइनस थीटा में एंगल में लिख देंगे तो बदल जाएगा कॉस में। अगर कॉस को हम 90 माइनस थीटा कर देंगे तो बदल जाएगा वो साइन में। यहाँ पे आपको लिख देते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा। अगर थीटा मतलब कोई भी एंगल तो ये इसका वैल्यू होगा साइन थीटा के, ठीक है, जो यहाँ पे होगा उसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से टेन का होता है टेन 90 माइनस थीटा होगा तो वो कॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो बन जाएगा टेन। याद रखिएगा साइन कॉस में बदल जाएगा कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान से यहाँ देखिएगा। बहुत इजी तरीके से होता है इस क्वेश्चन को आने का, दो तीन तरीका है लेकिन हम आपको सबसे इजी तरीके में बताएंगे ताकि सबका क्लियर हो जाए और सबको समझ में आ जाए। तो देखिए साइन है, साइन लिख दिए, साइन का साइन लिख दिए, कोई दिक्कत तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 18 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 18 यानी कि 18 दिख रहा है। 18 को 90 में से अगर घटा के लिखेगा तो आप क्या लिख सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका 90 है, कितना है तो आप बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10, ये कितना आएगा आपका 90 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे वो एग्जैक्ट 90 में से ही घटना चाहिए, किसमें, 90 में से ही। तो 90 में से कितना घटाएंगे जो 18 आएगा, तो इस 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। अब आप ये बताइए ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो कितना लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ। आप 90 में से 72 को घटा के देख लीजिए, 90 में से 72 को घटा के देखिएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 18 बचेगा, क्लियर है। एक और तरीका होता है जिसमें आपको साइन को ही चेंज करना पड़ेगा, कॉस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम साइन का साइन ही लिखे हैं, ये जो नंबर है ना उसको कन्वर्ट कर दिया 90 में से, जो नंबर यहाँ पे होगा उसको माइनस कर लीजिएगा तो बचेगा आपका 72। 72 यहाँ लिख लीजिए, 90 में से 72 घटाएंगे था, नीचे में जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। हमेशा जब भी बटा वाला हो, प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, एक को कन्वर्ट करना एक को छोड़ देना। नीचे जैसे है कॉस 72 तो कॉस 72 लिख लीजिए, डिग्री यहाँ होगा, ठीक है। आगे आपका आंसर देखिए, साइन 90 माइनस इसको पढ़ेंगे थीटा, आप देख सकते हैं लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है आपका कॉस थीटा।
इसका ना कॉस थीटा की जगह पे कितना है 72 डिग्री, अब बटा में कितना आपका पहले से है कॉस 72 डिग्री, आपका कट क्यों जाएगा 1, यही इसका मान निकल के आ गया 1, ये हो गया इसका आंसर। अगर आपकी इच्छा कर रही हो नीचे वाले को कन्वर्ट करने का, इसको आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, दोनों को कन्वर्ट कीजिएगा तो दोनों अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, वहां पे नहीं कट पाएगा। इतना क्लियर है, बहुत ही आसान है, और हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, 90 में से घटाएंगे, आपका वो वैल्यू आना चाहिए, वो उतना समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 18 था, 90 में से 72 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 18 बच जाएगा। क्लियर इतना? चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग, इसको कर लेते हैं साफ। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब लोग, ठीक है। और जो दोस्त आपके अब तक नहीं आए होंगे, सबको शेयर कर देंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ बताई जा रही हो सब क्वेश्चन वो भी सीख ले। आज जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे जो क्लास लगातार चल रहा है मैथ का और भी दूसरे सब्जेक्ट का, हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप घर बैठे बैठे पूरी पूरी तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की। चलिए देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर इसका 2। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 10 26 डिग्री है अपॉन कॉट दिखेगा, कॉट होगा आपका कितना है, वो आपका 64 डिग्री, कितना इसका निकालना है वैल्यू। तो ऐसा ही निकालेंगे हम लोग, एक को कन्वर्ट करेंगे, एक को वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं, किसको, 10 को। तो आप 10 का 10 लिख सकते हैं, और 90 माइनस 90 में से 26 को घटा दीजिएगा, 64 बचेगा। 90 में से किसको घटा दिए, ये वाला 26 को, तो कितना है आपका 64, और 90 में से जब 64 को घटाएगा तब बचेगा आपका 26। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका 10 26 ही लिखा हुआ, 10 90 माइनस 64 मतलब 26, तो ये 10 26 ही लिखा हुआ, लेकिन लिखने का तरीका का हो गया बदल गया, लिखने का तरीका बदल गया, हम ले चले उसको फॉर्मूला पे। तो 90 लिखने के बाद जो यहाँ पर आएगा उसी को घटा दीजिएगा, ठीक है। घटाने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे नीचे में वैसे लिख दीजिए, कॉट 64 डिग्री। ऊपर देखिए 90 माइनस थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे, तो देखिएगा यहाँ लिखा होगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल में क्या आपका कॉट थीटा, क्या आपका कॉट थीटा, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉट, और थीटा का वैल्यू कितना है 64 डिग्री अपॉन, ये पहले से है कॉट 64 डिग्री, कट के कितना हो गया आपका 1, यही तो इसका भी आंसर। क्लियर इतना? तो इतना क्लियर है तो हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सॉरी इसमें और क्वेश्चन है ना, और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी है और 4 भी है, तो हम सब क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसको कर देते हैं साफ, है ना, इसको साफ कर देते हैं। ये हो गया आपका साफ, और देख लेंगे हम अब तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं इसी चैप्टर के, तो लगातार मेरे साथ बने रहेंगे सब लोग, हर एक क्वेश्चन को आप भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा फॉर्मूला लगाना है नहीं, अधिकतर का वैल्यू 0 आएगा या आपका आएगा 1, कितना आएगा 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका है cos 44 डिग्री, फिर माइनस है आपका वो क्या, आपका साइन 42 डिग्री। देखिएगा दोनों एक कॉस में है एक साइन में है, तो किसी एक को कन्वर्ट कीजिएगा तभी दोनों एक जैसा होगा, फिर वो घट पाएगा नहीं तो नहीं घट पाएगा। जिसमें आपकी इच्छा कर रही हो, जिसको बदलने का वैसे उसको आप बदल सकते हैं और आपका अपना आंसर ला सकते हैं। तो कॉस 48 लिखा हुआ ना, ये वाला कॉस 48 देखिएगा ध्यान से, कॉस क्या, कॉस 90 माइनस 42 इसको लिख सकते,
अब ये सर 42 कहां से आप लिख दिए हैं, तो 90 में से 48 को घटा दिए तो कितना आया आपका 42। और जब आप 90 में से 42 को घटाइएगा तो आपका कितना आएगा 48 ही आएगा। ये जो आपको लिखा हुआ है वो कॉस 48 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ कॉस 48। अगर लिखना हो हमें मान लेते हैं साइन 50 का लिखना, साइन 50 तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40, ये तो कितना लिखा हुआ आपका, तो आपका कितना लिखा हुआ साइन 50 है लिखा हुआ, साइन 50 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो 90 में से घटा के लिखेंगे हर एक अंक को ताकि वो मेरा फॉर्मूला पे आ जाए, किसको आ जाए फॉर्मूला पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा आखिर माइनस है तो माइनस, ये जैसे है वैसे ही लिखेगा इसको साइन 42 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है, एक को कन्वर्ट कर दिए और एक को आपका ऐसे ही छोड़ दिए। आप देखेगा यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, 90 पे आ गया फॉर्मूला पे आ गया आपका, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, होता है वो साइन थीटा। तो देखिए साइन साइन और थीटा की जगह पे क्या होगा आपका 42, कितना होगा आपका 42 है ना, 90 माइनस थीटा देख सकते हैं, फॉर्मूला भी आपके सामने दिख रहा होगा। आखिर माइनस में क्या आपका साइन 42 पहले से, अब देखिए जितना कमाया उतना खाया, क्या बचा उसके पास कुछ नहीं बचा, साइन 42 प्लस में है, साइन 42 आपका माइनस में है, मतलब ये दोनों कैंसिल होके क्या बचा कुछ नहीं, मतलब के जीरो, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, जवाब हो गया। क्लियर है, तीसरा क्वेश्चन भी आपको हम हर एक क्वेश्चन बताएंगे, सब क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनेगा और हर एक क्वेश्चन VBI होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप हमें बना के बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कॉस 31 डिग्री और माइनस में सेक 59 डिग्री है, उसको निकालेगा उसका वैल्यू कितना आने वाला है जीरो आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जब माइनस में रहेगा बिना सॉल्व किए आप उसको जीरो कर दीजिएगा, ठीक है, और जब आपका बटा में रहेगा तो कितना कीजिएगा वन कीजिएगा। इतना क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 2, इसमें करना है सिद्ध, ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहता भी है एग्जाम में, तो कर देते हैं साफ। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से क्लियर होगा और पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, और हम यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक से बता रहे हैं, ठीक है, कोई लंबा कोई हार्ड हम लोग रास्ता नहीं अपना रहे, बिल्कुल इजी प्रोसेस में हम बता भी रहे हैं ताकि सबको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है 2 के पहले में 10 10 48 है, फिर 10 30 है, देखिए 10 48 इंटू में आपका 10 23, फिर इंटू है आपका, फिर आपका 10 42 और फिर 10 67 है ना, 10 42 और फिर आपका 10 67 इंटू 1 लाना, क्या लाना 1, साबित करके लाना है 1, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा 1, थोड़ा सा आप ध्यान से बनाएंगे तो वो, ये देखिए ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपका फॉर्मूला 1 लाना। तो जब भी सिद्ध करना होता है तो एक आपका LHS कहलाता है जबकि दूसरा आपका RHS कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आपके लेफ्ट हैंड में है वो राइट हैंड में है, देख सकते हैं आपको भी लेफ्ट राइट समझ में आता होगा जरूर। इतना को सॉल्व करेंगे चारों को, आंसर क्या लाना है 1 लाना, बिल्कुल आसानी से 1 आएगा और ऐसे एग्जाम में पूछा भी जाता है और हमेशा आपको इस सब चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, जिनको नहीं आता वो तो और देखिएगा, उन सबको आ जाएगा समझ में, जो पहली बार ट्राइगोनोमेट्री देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा, उनका उनको भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग LHS से बात करते हैं, LHS से क्या आपका 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 और इंटू 10 67। अब देखिए चार में से आप किसी 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना को 2 को, अगर चारों को कन्वर्ट कीजिएगा चारों कोट में बदल जाएगा, फिर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा, किसी 2 को कन्वर्ट कीजिए, आप किसको कन्वर्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए अगर आप शुरुआत के 2 कर लीजिए, अगर 48 को कन्वर्ट कीजिएगा तो 42 को मत कीजिएगा, क्योंकि यही 48 जो है 42 दे के जाएगा कॉट में, और फिर 23 को कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कॉट बदल जाएगा कितना 67 बदल जाएगा, तो शुरुआत के 2 को करेंगे 2 को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ
टेन का टेन 48 को अगर 90 में से घटा के लिखना हो तो हम कहें अगर 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे जो 48 आएगा। अगर हम आपको ऐसे कह दें 10 में से कितना घटाएंगे जो 6 बचेगा, 10 में से कितना घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो आप कहेंगे सर 4 घटा देंगे, कितना घटाएंगे 4। तो इसको आप कॉमन सेंस वैसे लगा सकते हैं, हमने कहा 10 में से कितना घटाएंगे जो 6 बचेगा, 10 में से 6 घटा दीजिए आप तो कितना आया 4, मतलब 4 को घटाएंगे। 90 में से कितना घटाएंगे जो 48 आएगा, तो 90 में से ही 48 को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा आपका 42। यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 10 48, कितना लिखा हुआ 10 48 लिखा हुआ, इनटू है मतलब गुना, तो गुना 10 ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 67, 90 में से 67 घटाइए कितना बचेगा आपका 23 ही बचेगा। दोनों को जैसे है वैसे नोट कर लीजिए, आपका हो जाएगा 10 42 डिग्री और गुना में हो जाएगा आपका 10 67 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं इसको देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ये आपका 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, देख सकते हैं आपका होता है कॉट थीटा, है कि नहीं है। तो कॉट थीटा का वैल्यू 42 गुना यहाँ भी 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा आपका कॉट थीटा का वैल्यू कितना है आपका 67 गुना 10 42 का 10 42 और गुना 10 67 का 10 67। इतना क्लियर है सबका, इतना क्लियर होगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं टेन और कॉट से एक फॉर्मूला बनता है, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या होता है आपका वो होता है वन, क्या होता है आपका वन होता है। तो हम क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, या यहीं पे कर देते हैं ध्यान से देखिएगा, कॉट 42 और टेन 42 थीटा का वैल्यू सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो 42 यहाँ भी 42 यहाँ भी, टेन और कॉट में कौन सा संबंध, गुना का संबंध है, तो हम कह सकते हैं कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा या टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल में क्या होता है आपका वन होता, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में देखेंगे, पूरा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना। ये हो गया वन, कौन कौन मिल गए ये और ये मिल के हो गया वन गुना उसका देखिएगा, ये आपका ये और ये जो है ना कॉट 67 और टेन 67 गुना में है, यानी कि कॉट थीटा और टेन थीटा देखिए सिमिलर सिमिलर है यहाँ पे थीटा का वैल्यू, फिर यहाँ पे मिलकर हो जाएगा वन, और वन को वन से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका वन, लाना क्या था हमें लाना था वन, RHS का आपका वन है इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए नीचे में जगह नहीं मेरे, नीचे लिखेगा आप LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा आपका प्रूव, ठीक है। LHS बराबर RHS ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, इतना क्लियर है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा है ना, बहुत ही आसान था, यहाँ पे क्या हो गया आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, इतना सब क्लियर है तो स्क्रीनशॉट सब लोग कर लेंगे जल्दी से, ताकि हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन ही बहुत ही आसान है, हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं सब लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट में हमें बताइएगा जरूर कि सर नहीं बना, फिर हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही आसान सवाल, तो हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, बीच में माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है माइनस, माइनस के पहले वाला जो आपका अंक है कॉस 38 और कॉस 52, कॉस 38 और कॉस 52 उसको कर लीजिएगा, दोनों को बदल लीजिएगा, वो बदल जाएगा आपका साइन में, किस बदल जाएगा कॉस का किस कॉस में माइनस रखेगा किस बदल जाएगा साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा अब वो घट जाएगा, और आसानी से लाना है हमें जीरो, तो घट के कितना हो जाएगा सब कट जाएगा, बचेगा आपका जीरो, क्या बचेगा जीरो, वो बना लीजिएगा ठीक। तो हम आपको बताते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही VVI क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से पूछे भी जाते हैं, जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक करके आप बने रहेंगे क्लास में आखिर तक, ताकि जो भी आपको बताई जा रही हो पूरा आपको समझ में आएगा है ना। क्लास 10th को छोड़ कर अगर दूसरे क्लास के भी स्टूडेंट होंगे वो भी अगर सीखना चाहें तो क्लास में बने रहें, क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना वो नुकसान नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है, उसको ऐसा समझिए रिएक्शन नहीं करती है, आप भी सीख सकते हैं, आप भी अगर उसको ध्यान से देखें बिल्कुल आसान है, कोई भी चीज जब जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीखता तो फिर उसको आने लगता, तो समझिएगा आपको भी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो क्लास को लाइक सब लोग जरूर कर दीजिएगा, लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए हो
सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो हम लोग आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में यदि टेन टू ए इक्वल में दिया गया है, इक्वल में कहा दिया हुआ कॉट ए माइनस 18 बोला गया, जहां टू ए एक न्यून कोण है, यानी कि 90 से छोटा कोई कोण होगा टू ए, तो ए का वैल्यू निकालना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, देखिएगा यहाँ पे मिनटों में आपका आंसर निकल जाएगा। दिया क्या है तो उसको देख लेते हैं, चूंकि टेन टू ए इक्वल में क्या मालूम है आपको, तो आपको मालूम है कॉट ए माइनस में 18 डिग्री, ये आपको मालूम है, यही तो मालूम है। और जो हमें दिख रहा है ए, उसी ए का वैल्यू निकालना। अब बताइएगा आप ये कि ये जो आपको टेन टू ए है, टू ए का आपका निम्न कोण कोई ना कोई 90 से छोटा वाला कोण, 90 घट रहा था, इसको आप अगर कन्वर्ट कीजिएगा टेन टू ए, तो आप इसको आप आसानी से लिख सकते हैं क्या, तो कॉट 90 माइनस में 2a, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 90 माइनस 2a कॉट 90 माइनस 2a मतलब क्या, साइन है 10 2a, इसका वैल्यू ये किसके बराबर होगा, नहीं तो ये बराबर जाएगा आपका 10 2a के बराबर, ठीक है। यानी कि जो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका 10 थीटा, तो 10 है थीटा का वैल्यू कितना, तो आप इसको इसके बदलाव का लिख सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हो, या नहीं वैसा अगर इच्छा नहीं है तो आप कन्वर्ट कर दीजिए इसको 90 में से इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, या आप इसको भी कर सकते हैं 90 में से 2a घटा सकते हैं, ठीक है। तो आपका कॉट में बदल जाएगा वो, फिर वो काटना पड़ेगा, आसान होगा आपका, ऐसा ही कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा मतलब 10 थीटा, देखिए दोनों सिमिलर है, बराबर है, कॉट ए माइनस कितना आपका 18 डिग्री, कॉट से कॉट आपका एक होगा कट जाएगा, अब बच गया ए, अब बच गया आपका नंबर, अब दोनों को एक साथ कर लीजिए, ए वाले को एक साथ, नंबर वाले सबको एक साथ, तो देखिए यहाँ पे 90 माइनस 2a इक्वल में ए माइनस कितना आपका 18, है ना, माइनस 2a उसको लिया ये इस पार, तो हो जाएगा माइनस में ए इक्वल माइनस 18 पहले से, उसको कर लीजिए उस पार, हो जाएगा माइनस में 90 कितना होगा, माइनस में 3a ऐड कीजिए 108, माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा, ए का वैल्यू 108 अपॉन 3, 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 9 और 3 6 36, ए का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री, यही तो कि आपका क्या आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कहाँ पे हुआ है, तो कन्वर्ट कर दिया हम यहाँ पे 10 को कर दिए कॉट 90 माइनस थीटा में, उसके बाद दोनों कट जाएगा, ए वाले को एक साथ कर देंगे और गिनती वाले को एक साथ, और आपका आंसर कहाँ गया निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 36। तो और आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4, है ना, तो यहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ज्यादा लंबा तो क्लास नहीं हो रहा है ना, चलिए तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, चलिए सब लोग ले लिया होंगे स्क्रीनशॉट, तो हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि आपको करनी है तैयारी, हमें करानी है तैयारी, है ना, तो जितना हम लोग क्लास में बने रहेंगे लगातार उतना बेहतर होगा तैयारी करने में और कराने में, तो क्लियर हो गया ये, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे अगर जिनको मन में होगा इसको कन्वर्ट करें, तो आप यहाँ पे कॉट का कॉट लिखें, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो कॉट का कॉट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस में 18 डिग्री 90 में करके, ठीक है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा वैसे। चलिए तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज्यादा बड़ा चैप्टर आपका है नहीं, आप चाहें तो आज भी ये क्लास, ये जो चैप्टर आपका है 8.3, कौन चैप्टर है 8.3 क्लियर हो सकता है, बस कंडीशन है आप लोग लगातार क्लास में रहेंगे, मजे के साथ पढ़ाई करेंगे, तो हमें पढ़ने पढ़ाने में क्या होगा मजा आएगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि टेन ए बराबर कॉट बी,
टेन ए बराबर में कॉट बी, तो हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस बी जो है ना वो 90 डिग्री आना चाहिए, ए प्लस बी 90 डिग्री आना चाहिए, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध कर देते हैं, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बोला गया टेन ए बराबर कॉट बी ना, तो लाना क्या हमें ए प्लस बी इक्वल में 90 लाना है, क्या लगता है ये लाना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसानी से बनाता है क्या, बिल्कुल आसानी से दो पंक्ति में बिल्कुल देखिए बन जाएगा। आइए एलएचएस से बात कर लेते हैं, एलएचएस मेरा ये है वो आरएचएस, टेन ए इक्वल में क्या आपका सॉरी बी होगा, कॉट बी होगा है ना, कॉट बी होगा, कॉट कॉट बी। अब किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस ए, ठीक है, कॉट 90 माइनस ए मतलब क्या, कॉट 90 माइनस थीटा मतलब क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आपका है, यानी कि ये और ये सिमिलर है, एक जैसा है, एक बराबर होगा, क्लियर है। ये क्या आपका कॉट बी का कॉट बी, कॉट से कॉट आपका क्या होगा कट जाएगा। अगर इच्छा ये कर रही थी कन्वर्ट करने की, तो इसको आपका लिखेगा टेन, इसको लिखेगा टेन 90 माइनस थीटा का, लिखेगा टेन 90 माइनस बी लिखेगा, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू कितना बी है, तो आपका निकलने क्या आएगा यही, फिर वापस टेन से टेन का होता फिर कट जाता, बच कौन गया 90 माइनस ए इक्वल में बी बच गया। ए को उस पार ले चलते हैं बी वाले के पास, पता चल गया क्या आ रहा है 90 इक्वल का वही पहुंचा, बी प्लस ए इक्वल में 50 90, या आपका 90 इक्वल में बी प्लस है, या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस में बी बराबर में कितना आपका 90, यह तो हो गया आपका फोर, इसे यहाँ पे कर सकते हैं एल एच एस बराबर में आर एच एस, ये हो गया आपका, क्लियर इतना। कैसे प्रूव हो गया, या तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए कॉट में, या तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए टेन में, किसी एक को कीजिएगा तो वो कट जाएगा आपका, कटने के बाद जो आपका बचेगा वहां से प्लस और माइनस कर दीजिएगा, दोनों बी ए बी को एक साथ कर दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से, आसानी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसानी से आपका ये निकल के भी कहा गया आ गया। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी देख लेते हैं, वहीं पे क्लास एंड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 को ही बता के, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और क्लास से बने रहिएगा, ठीक है, और सब लोग जिनको आंसर आता हो बने आंसर बना के भेजते रहेंगे, ठीक है, जिनको नहीं आता हो वो कोई बात नहीं, नहीं आता तो सीखते है ना, सीखिए ध्यान से, बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्वेश्चन इन होते ही क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, ठीक है, फिर उसको आप नोटबुक में एक बार नोट कर लेंगे, फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका सब क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, ये हो गया आपका क्लियर। इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोला गया यदि सेक 4a, सेक 4a इक्वल में बोला गया कुछ, सेक 4a का वैल्यू क्या बोला गया, कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20 देखिए, ठीक है, तो बोला गया, फिर बोला गया 4a निम्न कोण है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे सेम क्वेश्चन है, और यहां ये बोला गया a का वैल्यू निकालना, सेम चीज है, चलिए ए का वैल्यू निकालते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ सेक 4a, तो सेक को आप लिख लीजिए आराम से कोसेक 90 माइनस 4a, देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता सेक थीटा होता, कोसेक 90 देखिए यहां पे लिख देते हैं, यहां पे कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता आपका, होता है सेक थीटा, क्या होता सेक थीटा, ये फॉर्मूला होता इसी टर्म में, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका सेक थीटा, तो आप इसके बदले में इसको लिख सकते हैं या इसके बदले में ये पूरा लिख सकते हैं, जैसी इच्छा आपकी कर रही हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं छोटा के बदले में इसको लिख रहे हैं, देखिएगा सेक 4a है मतलब 4a मतलब थीटा, 4a मतलब थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कि 4a, ठीक है, इक्वल में क्या है आपका कॉसेक a माइनस 20 है, तो a माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक क्या होगा आपका कट जाएगा, a वाले को एक साथ कर दीजिए काउंटिंग वाले को एक साथ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या करना पड़ा, बच गया क्या आपका 90 माइनस में 4a इक्वल वहां a माइनस में कितना आपका 20,
चलिए एक कोस पा कर लेते हैं, 90 कोस पा कर देते हैं, 4a माइनस में हो जाएगा ये वाला, 4a पहले से माइनस में है, ये इस पर आके माइनस में हो गया, माइनस में 20 हो गया और उस पर किया तो माइनस हो जाएगा 90। क्लियर इतना, माइनस 20 पहले से है ये उस पर जाकर हो जाएगा माइनस में 90। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना होगा आपका, माइनस में 5a हो जाएगा, होगा ना माइनस 5a, माइनस 4a और माइनस a, माइनस 5a यहाँ दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों क्या माइनस में है तो जुड़ यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, माइनस 20 और माइनस 90 कितना होगा माइनस में 110, माइनस माइनस कट जाएगा, ए इक्वल में 110 अपॉन कितना होगा आपका 5 हो जाएगा क्योंकि ये 5 का यहाँ मल्टीपल में इस पर आगे होगा डिवाइड में, काट दीजिए 5 दुना 10 और 5 दुना 10 ए बराबर कितना डिग्री 22 डिग्री, यही तो इसका क्या है आंसर। क्लियर इतना, ए का वैल्यू निकालना था निकाल लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाया सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे सेक और कोसेक है, वैल्यू निकल के आया था 36 डिग्री। क्लियर है इतना, चलिए क्लियर है तो एक क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन और बच जाता जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और एक्सरसाइज 8.4 को देखेंगे जिसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले में भी उसमें से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर वाले में तो रहता ही है और 1 नंबर वाले में भी कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन। ठीक है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे यह क्लास आपको कैसा लगा और दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं उस क्वेश्चन को आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है बना के, और पिछले क्लास से पहले वाले क्लास में क्वेश्चन था आपका होमवर्क, क्या था आपका क्वेश्चन होमवर्क था, इसे बहुत सारे स्टूडेंटों ने बना कर भेजा, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे लेकिन उसका नाम नहीं बोल पाया, तो उसका नाम आपको बताते हैं जो आंसर बना के भेजने वाले थे, इसमें है इरफान है ना, रजिया परवीन, साजिया नाज, रवि कुमार और भी कुछ स्टूडेंट है अफान, ठीक है और भी कुछ स्टूडेंटों ने इसका आंसर बना के भेजा है, तो आप लोग भी इसका आंसर बना के भेजेंगे जो दो क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दिए थे, साथ ही साथ कमेंट में आप जरूर बताएंगे यह क्लास आपको कैसा लगा है ना, कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में वो भी आप जरूर बताएंगे, तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे हुए अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी पूरी तैयारी कर सकते हैं, तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में, जय हिंद जय भारत।